हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं आपका होस्ट साद अहमद और आज मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा दो वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस के दरमियान, जिनमें से एक वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस जो कि वी आर बॉक्स 2 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है फॉर अराउंड 2 to 3,000 की, और दूसरी सैमसंग की गेयर वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस जो कि मार्केट में 7 to 10,000 रुपीज में अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, चूंकि मैंने इन दोनों गैजेट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करके देखा और मुझे दोनों गैजेट्स में कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ कॉन्स भी मुझे फील हुए हैं, तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ मुझे दोनों डिवाइसेस में क्या मेजर डिफरेंसेस फील हुए हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको एक सबसे मेजर पॉइंट बताता चलूँ इन दोनों वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस के दरमियान। आप सैमसंग के गेयर वी आर से गूगल की कार्डबोर्ड एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस वी आर ग्लासेस के थ्रू ओकुलस रिफ्ट की एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में यूज़ नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वी आर बॉक्स का। सैमसंग गेयर वी आर में आप अपना स्मार्टफोन प्रॉपर प्लग इन करते हैं, जबकि नॉर्मल वी आर बॉक्स में आप अपना स्मार्टफोन सिर्फ एक ट्रे के थ्रू अटैच करके इंसर्ट करते हैं। गेयर वी आर में आपके पास सेंसर अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपना स्मार्टफोन कभी भी अपनी आंखों से रिमूव करेंगे तो आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जबकि नॉर्मल वी आर बॉक्स में आपके पास कोई भी ऐसा सेंसर अवेलेबल नहीं है। हाँ, ऑल दो फोकस करने की ऑप्शन आपके पास दोनों में अवेलेबल है, लेकिन दोनों में मेथड डिफरेंट है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास एक ही फोकस रिंग अवेलेबल है, जबकि वी आर बॉक्स के अंदर आपके पास दो डिफरेंट फोकस रिंग अवेलेबल है दोनों लेंसेज के लिए। वी आर बॉक्स में आपने एक बार अपना स्मार्टफोन इंसर्ट कर दिया, उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन के कंट्रोलर्स को नहीं छेड़ सकते, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन में अगर वॉल्यूम डाउन अप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक एक्सटर्नल कंट्रोलर होना ज़रूरी है। जबकि अगर आपके पास गेयर वी आर अवेलेबल है तो उसके पास आप देख सकते हैं आपके पास सेंसर्स भी अवेलेबल है, आपके पास वॉल्यूम कीज, आपके पास होम की और बैक की भी अवेलेबल है। गेयर वी आर में मैंने एक और बहुत अच्छी बात यह नोट किया कि आप देख सकते हैं आपके पास नोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है, जबकि नॉर्मल वी आर बॉक्स में आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम स्पेस है, जिसमें अगर आप 2-3 घंटे से ज़्यादा अगर इन ग्लासेस को यूज़ करेंगे तो आप फील करेंगे आपके नोज़ पे थोड़ी सी इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, जबकि गेयर वी आर में ऐसा मुझे अनकम्फर्टेबिलिटी बिल्कुल भी फील नहीं हुई। और इसके अलावा गेयर वी आर में मुझे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी फील हुआ है कि आप देख सकते हैं चूंकि इसका रिमूवेबल कवर भी है तो आप देख सकते हैं इसके दोनों लेंसेज आप इजीली क्लीन कर सकते हैं किसी भी क्लॉथ से, यानी कि अगर थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स अगर आपके लेंस पर अटैच हो गए हैं तो आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, जबकि आपके पास वी आर बॉक्स में एक लेंस को साफ करने का ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि दूसरी साइड पर कवर आ जाता है तो आप दूसरी साइड पर किसी भी लेंस को साफ नहीं कर सकते। सो यस, इस मामले में भी आई वुड गो फॉर गेयर वी आर। वेल, सिंपल वी आर बॉक्स का मैंने एक प्लस पॉइंट ये नोट किया कि आप इसमें क्योंकि गूगल प्ले की सारी एप्लीकेशन, गूगल कार्डबोर्ड की सारी एप्लीकेशन आप इसमें प्ले कर सकते हैं, तो उसमें अगर आपका स्मार्टफोन हीटअप हो भी जाए फिर भी आपका स्मार्टफोन प्रॉब्लम नहीं करता और वो एप्लीकेशन कंटिन्यूसली प्ले होती रहती है। अगर आपने कोई मूवी भी देखनी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप गेयर वी आर यूज़ करें और अगर आप स्पेसिफिकली ओकुलस रिफ्ट में गेयर वी आर यूज़ करें तो अगर आपका स्मार्टफोन हीटअप हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1-2 घंटे के बाद, जो कि यूजुअली हो जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन फर्दर कंटिन्यू नहीं होती और ये आपको कंटिन्यूसली ऑप्शन देता रहता है कि आप अपना स्मार्टफोन रिमूव करें वी आर बॉक्स से और जब वो कूल डाउन हो जाए फिर वापस आप एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। वेल व्यूअर्स, एंड कंक्लूजन में यही दूंगा, क्योंकि आप नोट कर सकते हैं प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है दोनों वी आर ग्लासेस में, लेकिन अगर मैं पर्सनली यूज़ करूँ तो मैं आपको बताता चलूँ मैं गेयर वी आर यूज़ करूँगा, क्योंकि गेयर वी आर में आप वर्चुअल रियलिटी यानी कि गूगल कार्डबोर्ड की एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिंपल वी आर बॉक्स अवेलेबल है तो आप उसके अंदर गेयर वी आर की यानी कि ओकुलस की एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों वी आर ग्लासेस में ये है कि आप देख सकते हैं सैमसंग की जो वी आर ग्लासेस है उसके अंदर आप सिर्फ सैमसंग की डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं, यानी कि आप उसके अंदर सैमसंग के अलावा अगर हवावे की डिवाइस लगाएंगे तो वो उसके अंदर सपोर्ट नहीं करेंगी और कोई भी एप्लीकेशन उसके अंदर आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए नॉर्मल वी आर बॉक्स की, तो उसके अंदर आप कोई भी स्मार्टफोन जिसका स्क्रीन साइज अच्छा हो, उसका प्रोसेसर अच्छा हो, तो आप उसके अंदर कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मुझे दोनों वी आर ग्लासेस में ओकुलस रिफ्ट की एप्लीकेशन के अलावा कोई ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस फील नहीं हुआ। यूजेज दोनों का सेम है, परफॉर्मेंस की ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, लेकिन स्टिल मुझे कुछ थोड़े से माइनर डिफरेंसेस की वजह से गेयर वी आर ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि गेयर वी आर बॉक्स कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर ओकुलस रिफ्ट की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सो व्यूअर्स, ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस दोनों वी आर ग्लासेस के दरमियान। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा दोनों ग्लासेस में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेज हैं। सो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू गैजेट की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।